बेमेतरा जिले में अभी से उद्योग लगने का विरोध होना शुरू हो गया है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां कई गांव में लोगों के साथ में बैठक कर रही है। इसी बात को लेकर स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा ने पत्रकारों से चर्चा की और साफ तौर से बताया कि बेमेतरा जिले में कृषि आधारित उद्योग के अलावा किसी अन्य तरह का कोई उद्योग नहीं लगाया जाएगा और न ही किसी उद्योग ने अभी तक बेमेतरा जिले में कोई आवेदन दिया है। जो भी उद्योग इससे पहले बेमेतरा जिले में चल रहे हैं, वह भाजपा शासनकाल के हैं। राजनीतिक पार्टियां बेवजह लोगों को बरगला कर अपना स्वार्थ साध रहे हैं। सम्मानित पत्रकार बंधुओं के साथ एक पत्रकार वार्ता रखी गई थी। जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय संगठन के सभी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, संगठन के सभी लोग उपस्थित थे। उसमें दो तीन मुख्य बातें थी। एक, सबसे पहली बात ये थी कि कुछ लोगों के द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्षेत्र में भ्रम फैलाया जा रहा है कि कुछ उद्योग यहाँ डलने वाले, जिससे लोगों की फसलों को नुकसान होगा, जिसके दूषित पानी से फसल बर्बाद हो जाएगी, प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान होगा। तो उसके लिए मैं लगातार, हम लोग ये बात मीडिया के माध्यम से जब पढ़ रहे थे, जानकारियाँ आ रही थी, उस बात का पटाक्षेप करने के लिए पत्रकार वार्ता ली गई थी, जिसमें पूरा विस्तार से जानकारी दी गई कि सरकार की मंशा है बेमेतरा जिले में उद्योग खुले, लेकिन हम उद्योग चाहते हैं कृषि आधारित उद्योग, जिसमें लोगों को रोजगार भी मिले, फसल के दाम भी किसानों को अच्छा मिल सके। कृषि आधारित उद्योग का हम स्वागत करते हैं, और कोई भी ऐसा उद्योग जिससे लोगों को नुकसान होगा, वो उद्योग हमारे बेमेतरा जिले में कभी बता। बेमेतरा से ईश्वर सिंह राजपूत, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।